नमस्कार, दंगल के महाराष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आज हम दो गठबंधनों के दो कार्यक्रम और एक तकरार को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन आज झारखंड में सरकार गठन का जश्न मना रहा था, एकजुटता दिखा रहा था। इंडिया गठबंधन के तकरीबन हर बड़ा घटक दल हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में मौजूद था, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के रीजनल फॉर्म यानी महाविकास आघाड़ी में बयानों का सिर्फ उठावल शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र में करारी हार के पीछे कांग्रेस का ही कसूर है। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने तो खुलकर कहा है कि अब पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार भी कहते हैं कि कई कांग्रेसी नेता भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, मतलब लोकसभा की जीत तक जिस आघाड़ी की एकता मजबूत नजर आ रही थी उसकी बुनियाद एक ही हार में खिसकती दिख रही है। हालांकि देश के स्तर पर इंडिया गठबंधन में अभी दम दिख रहा है, जैसे कि झारखंड में दिखाई दिया। इंडिया के घटक दलों का तकरीबन हर नेता हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में मौजूद रहा, लेकिन यह कांग्रेस का मंच नहीं था। अब सवाल यह है कि लोकसभा नतीजों के बाद जिस तरह कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के घटक दल एक कतार में नजर आ रहे थे, क्या वो महाराष्ट्र के नतीजों के बाद फिर बिखर जाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता नतीजों के मुद्दे को पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस तो दिल्ली में संसद की कार्यवाही को लेकर भी इंडिया गठबंधन में कई घटक दल कांग्रेस की राय से अपनी राय अलग रखते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आज के दंगल में हम इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं, देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। दो राज्यों की सियासत के ये तीन रंग हैं। एक तरफ झारखंड में शपथ ग्रहण हुआ है, दूसरी तरफ दिल्ली में सीएम पद के लिए मंथन हो रहा है, तो तीसरी तरफ महाराष्ट्र में हार के बाद इंडिया के अंदर कांग्रेस के खिलाफ तकरार शुरू हो गई है। मतलब सियासत के रंग ऐसे हैं कि पूरब में इंडिया गठबंधन का जश्न सरकार है तो पश्चिम में पनपती तकरार है। चुनावी नतीजों का हफ्ता भी नहीं गुजरा है कि उद्धव ठाकरे के नेता कहने लगे हैं कि कांग्रेस की दोस्ती का खामियाजा ही है कि महाराष्ट्र में हार का घूंट पीना पड़ रहा है। जीतने वाले भी कहते हैं कि हम ज्यादा वोट से जीत सकते थे लेकिन कम वोट से जीते हैं, और हारने वालों ने भी जिस प्रकार, ठीक है हारे, हार जीत तो इलेक्शन में होती है, लेकिन जो सीट 2,000-5,000 से हार सकते हो 50,000-60,000-40,000 वोट से हारे, तो इसलिए हमने कुछ शिवसैनिकों ने मांग रखी है कि पूरे के पूरे 288 जगह पे आने वाले समय 5 साल के बाद लड़ने की तैयारी आज से करना चाहिए। वैसे भी वहाँ वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन रहने वाला ही नहीं था, इसलिए उसमें कोई मतलब तो है नहीं। अब जब रिजल्ट आ गए, लोगों ने उनको ठुकराया है, ऐसी हालत में साथ वो रहने का संभावना कम है। तब उन्हें बीजेपी अच्छी नहीं लगती थी, आज कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, महाआघाड़ी में थे, तो आज उन्हें कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता की एक शिकायत नहीं है, वो महाराष्ट्र में आघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, तो कई वजह इसकी गिनाते हैं। उद्धव ठाकरे के शिवसैनिक कहते हैं कि चुनाव तक कांग्रेस सीट बंटवारे में उलझी रही, कांग्रेस ने जबरन ज्यादा सीटें ले ली, कांग्रेस ने सहयोगी दलों को दबाव में रखा, कांग्रेस की वजह से हार का अंतर बढ़ा, वरना लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाला इंडिया गठबंधन विधानसभा में चारों खाने चित नहीं होता। लोकसभा के बाद जहां जहां इलेक्शन हुई कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सत्य है। फिर तुम हरियाणा में भी देखो, तुम जम्मू कश्मीर में भी देखो और तुम महाराष्ट्र में भी देखो, कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। ये देखिए, ये महाविकास आघाड़ी जो बनी थी वो सत्ता के लालच के लिए ही वो बनी थी, कोई विचारधारा का उनका मेल नहीं था। महाराष्ट्र की हार के बाद एक तरफ उद्धव ठाकरे के शिवसैनिकों की ओर से कांग्रेस से दूर होने का दबाव है, तो संजय राउत अब भी कांग्रेस से दोस्ती बरकरार रखने की दलीलें देते दिखते हैं। खबरें हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में और हमें अच्छा कामयाबी मिली, तब ये
किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। क्या बचा है महाविनाश आघाड़ी का, जो उद्धव ठाकरे छोड़े अभी या नहीं छोड़े? लोगों ने उनको नकारा क्योंकि वो अपने विचारधारा को खो बैठे सत्ता के मोहमाया के लिए। हालांकि आंकड़े भी यही इशारा करते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की दोस्ती से कम उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें ली, 101 सीटें लड़कर सिर्फ 16 जीती और स्ट्राइक रेट रही 16%। शिवसेना उद्धव को 95 सीटें मिली थी, वो 20 जीती, स्ट्राइक रेट रही 21%। और एनसीपी शरद पवार को 86 सीटें दी गई थी जिसमें 10 जीती और स्ट्राइक रेट रही 12%। 4 महीने पहले जिस महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का बोलबाला था, वहां आखिर यह हाल क्यों हुआ? कांग्रेस भी परेशान है। ईवीएम जैसी दलील कांग्रेस के अंदर खाने दिल बहलाने के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो हालत इंडिया गठबंधन की हुई है, उसके बाद राज्य में आघाड़ी के भविष्य पर शंका के बादल घने होते दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा था कि हार का ठेकरा अजीत पवार पर फोड़ा जा रहा था कि उनको साथ नहीं लेना चाहिए था। अब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस कमजोर कड़ी है कहा जा रहा है महाविकास आघाड़ी के घटक दल की तरफ से, इस पर हम चर्चा करने वाले। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली में महायुति की बैठक के लिए नेता पहुंचना शुरू हो चुका है। अजीत पवार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, एकनाथ शिंदे का फिलहाल इंतजार है। एकनाथ शिंदे भी थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। रात को 9 बजे महायुति की बैठक होने जा रही है। अजीत पवार ने कहा है कि रात को 9 बजे महायुति की बैठक दिल्ली में ली जाएगी। चुनाव से पहले सीएम के नाम पर चर्चा नहीं हुई थी, अजीत पवार ने साफ कर दिया है। कई बार ये चर्चा हो रही थी, क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वादा किया गया था? और आज की बैठक में ये चर्चा होने जा रही है। हमारे साथ में 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से पीयूष मिश्रा जो महायुति की इस बैठक को फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ मुंबई से मुस्तफा शेख भी यहां पर जुड़ रहे हैं। पीयूष मिश्रा, क्या हो रहा है दिल्ली में? एक एक करके नेता पहुंच रहे हैं, आज मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा, क्या पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइनल हो जाएगा महायुति के बीच में? जी बिल्कुल साहिल, कैस यही लगाए जा रहे हैं कि आज रात में जब ये बैठक शुरू होती है तो उस बैठक में गवर्नमेंट फॉर्मेशन फॉर्मूला पर भी चर्चा होगी। लगभग ये तय हो गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और 2 उप मुख्यमंत्री शिवसेना और एनसीपी से होंगे, तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला इस चीज को लेकर तो डिसाइड हो गया, लेकिन पोर्टफोलियोज किसके पास कितने जाएंगे उस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 40 से ज्यादा पोर्टफोलियो जो महाराष्ट्र में है उसमें 20 से ज्यादा पोर्टफोलियो बीजेपी के पास जा सकते हैं और बाकी जो पोर्टफोलियोज है वो शिवसेना और एनसीपी में बटेंगे। लेकिन एक चीज और निकल के सामने आ रही है कि जो 4 बड़े मंत्रालय है जिन पर नजर बीजेपी की रहती है वो मंत्रालय भी इस बार घटक दलों में बांटे जाएंगे, इस तरह की चर्चाएं भी निकल के सामने आ रही है। हालांकि अजीत पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं, उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि मुख्यमंत्री को लेकर किस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी। एकनाथ शिंदे भी देर शाम तक पहुंचेंगे और देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे। कल हमको याद है साहिल की कुछ शिवसेना के नेता भी बोल रहे थे कि एकनाथ शिंदे को वादा किया गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आज अजीत पवार ने उन सभी अटकलों पर अपनी बात तो साफ हो गई है। मुस्तफा शेख हमारे साथ है। मुस्तफा, क्या एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई मांग रखी जा रही है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद तो उन्हें मिलने से रहा, क्या होम डिपार्टमेंट मांगा जा रहा है, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट मांगा जा रहा है, क्या वित्त विभाग मांगा जा रहा है, किस तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से लॉबिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, सूत्रों से यही खबर आ रही है कि अर्बन डेवलपमेंट एक जो डिपार्टमेंट है जो अक्सर मुख्यमंत्री के पास रहता है, उस डिपार्टमेंट पर एकनाथ शिंदे शिवसेना की नजर है। कहीं ना कहीं ये एक वो डिपार्टमेंट है जिससे आप प्लानिंग कर सकते हैं और आप जो भी ग्रोथ इंजन है सरकार का उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, स्कीम के हो, वेलफेयर के हो, उन्होंने किए हैं, उस तरह का कोई ठोस काम करते इस शिवसेना के लोगों को जमे, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई बड़ा मंत्रालय उसके उनके उनके पास रहे, या तो फाइनेंस हो या फिर अर्बन डेवलपमेंट हो। लेकिन ये सभी आप कह सकते हैं जो पोर्टफोलियोज है ये कोई भी मुख्यमंत्री अपने पास रखना चाहेगा। तो सीएम पेज की बात अगर आप कह सकते हैं समाप्त हो भी जाए उसके बाद भी, ये जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है इसका समाधान बीजेपी कैसे निकालेगी ये एक बड़ा सवाल रहेगा। हिंदी में इसे मलाईदार पोर्टफोलियोज कहा जाता है। अब मलाईदार का मतलब जो भी निकालना चाहे वो निकाल सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, 5 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, उसी को लेकर पूरी बातचीत होती है। तो पीयूष मिश्रा, मुस्तफा शेख, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष आप ध्यान रखिएगा, 9 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि महायुति ने अपना जमावड़ा कर लिया है, मुख्यमंत्री पद का जो फैसला था वो करीब करीब तय हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का क्या होगा, चर्चा करेंगे। हमारे साथ है
अंबादास दानवे मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के यानी विधान परिषद के शिवसेना के नेता है, उसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भी हमारे पास स्पोक्स पर्सन है, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, अतुल लोंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी है संगीत रागी जी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट और विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मुंबई स्टूडियो से ही शुरुआत करनी होगी, अंबादास दानवे आज तो आपने खबर बना दी, वहां पर तो कांग्रेस कहती है कि भाई ईवीएम से हार गए, आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से हार गए, हुआ क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र एक के बाद एक आपको चुनाव का हार का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, मैंने तो ये कहा है, हमने ये कहा है कि ईवीएम में तो बड़ी धांधली हुई ही है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन इसके साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मीटिंग में एक मांग की है कि हमने खुद ने शिवसेना ने पूरे 288 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे पूरी ताकत से संगठन खड़ा करना चाहिए, इस प्रकार की मांग हमने रखी है, इस प्रकार की मांग शिवसैनिकों ने की है। दूसरी बात, जिस प्रकार लोकसभा के बाद जिसको अति आत्मविश्वास कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जो ज्यादातर कांग्रेस में जो ओवर कॉन्फिडेंस था, तो उसके बारे में भी, क्योंकि हमने हमको सिर्फ 96 जगह लड़ने को मिले, हमको तो कम से कम 100-125 हम बीजेपी के साथ में थे तो हम कम से कम 125-130-171 तक सीट हमने लड़े हैं, हमको कम जगह मिली और जो जगह कांग्रेस ने ली वो आ भी नहीं सकी, जो हमारे से छीन के लिए, ऐसी पूरी स्थिति रहने के बाद जो हमारा कैडर है वो कहता है हमने कुछ महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने का हमने कहीं कहा नहीं है, लेकिन हमने ये कहा है कि हमारा संगठन पूरे 288 मतदार संघ में मजबूत होना चाहिए, ये बात तो हमने कही है। नहीं, लेकिन आप तो ये भी कह रहे हैं ना, आप तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई अब जब आप लोग एक के बाद एक चुनाव हारे हैं तो साथ में चुनाव लड़ने की जगह पर आप कह रहे हैं कि 288 की तैयारी कर लेते हैं, बाद में तो अकेले ही लड़ेंगे। बिल्कुल है, देखो संगठन 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे महाराष्ट्र में खड़ा करना कुछ गलत बात नहीं है, इससे कोई हम आघाड़ी से बाहर निकलने वाली ये बात नहीं कर रहे, लेकिन 288 पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में संगठन खड़ा करना चाहिए, ये बात तो हमारे संगठन के लिए करना ही चाहिए, हर संगठन ने करना चाहिए, उसमें क्या गलत बात हमने रखी। अतुल लोंडे पाटिल, देखिए क्या कह रहे हैं अंबादास दानवे, ओवर कॉन्फिडेंस से हार गए, थोड़ा बात संभल लेते, एक चीज उन्होंने कही नहीं है, मैं उनके तरफ से कह देता हूं क्योंकि उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को नेता चुन लेते तो शायद ज्यादा सीटें आती आपको, कह दीजिए फिर। एक तो ऐसा है कि एक तो ईवीएम की बात मान लें या फिर इनकी बात मान लें, अभी ये चीजें जो है महाविकास आघाड़ी की कमेटी है, उस कमेटी में बातें ये होनी चाहिए जो भी है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये बातें अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर होती है तो मैं उसका पार्ट नहीं होना चाहूंगा कि जो बातें संगठन के अंदर होनी चाहिए, महाविकास आघाड़ी के अंदर होनी चाहिए, वो बातें मीडिया पर हो। अभी ये फिर बीजेपी के महायुति और हमें क्या अंतर रह जाएगा, उन्होंने अजीत पवार को ठीकरा फोड़ा था, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर आरएसएस, उन्होंने सब ये बातें की थी, छिटाकशी की थी, पब्लिक स्पिट फैट किया था, तो उनका उन खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा था, ओवर कॉन्फिडेंस था, नहीं था, मैं भी चर्चा में था, मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की दो मीटिंग में मैं बैठा था। अब वो वहां की बातें अगर ये प्लेटफॉर्म पे करना है तो वो मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे पॉलिटिकली वो रॉन्ग लगता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जहां तक 288 सीटों पर संगठन होना चाहिए तो हर पार्टी को लगता है कि अपनी पार्टी बढ़नी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कांग्रेस भी उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लेने का सवाल नहीं आता, हमें भी 288 सीटों पर अपना संगठन मजबूत करना है और वो करने की हम कोशिश करेंगे। इसके पहले भी जब हमने सब रिव्यू लिया था तो शिवसेना ने भी 288 सीटों का रिव्यू लिया था, हमने भी 288 सीटों का रिव्यू लिया था, और जब सामने बैठे थे तो आंकड़ों के साथ बात हुई थी, और आंकड़ों के साथ बात होने के बाद इस तरह से अंबादास जी जो बहुत ज्येष्ठ नेता है, बहुत लड़ाकू है, काफी अच्छे से लड़ते भी है, मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, अपनी विचारधारा को लेकर लड़ते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता, अभी पूछ लो उनको हमारे से लड़ रहे नहीं लड़ रहे, मुझे नहीं लगता वो लड़ रहे, वो हमारे लोगों ने भी कहा है कि नुकसान हुआ है, तो वो एक भावना रहती है, उम्मीदवारों की भावना रहती है, पदाधिकारियों की भावना रहती है, कार्यकर्ताओं की भावना रहती है, तो वो भावना कन्वे कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अगर उनको ऐसा लग रहा होगा तो वो बोल दे अभी यहां पर, मुझे नहीं लगता उनको ऐसा लग रहा है,
ये बोल दीजिए आप अंबालाल जी बोल दीजिएगा, बोल दीजिए क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना, वो बोल रहे कि आपको अगर ऐसा लग रहा होगा तो बोल दीजिएगा। मैंने ये कहा कि 288 जगह संगठन मजबूत होना चाहिए, ये तो मेरी राय पे तो ये इस भूमिका पे तो हम ठाम ही है, हम ठाम ही है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये करने वाले हैं हम, इसमें कोई अलग से। लेकिन मेरा एक मुद्दा जो शायद लोंडे जी ने नहीं सुना होगा कि उद्धव जी ठाकरे साहब अगर सीएम पद के सीएम का फेस बोल के अगर सामने आते तो और महाराष्ट्र में अलग से रिजल्ट आ सकते थे, ये भी बात है, क्योंकि उद्धव जी बोले थे चलो मैं नहीं तो आपने कैंडिडेट आपने फेस लाई है, वो भी नहीं लाया। आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार उद्धव जी महाराष्ट्र में नहीं देश में जिस प्रकार लड़ रहे हैं मोदी और शाह सरकार के खिलाफ, इनकी हुकुमशाही के खिलाफ जिस प्रकार लड़ाई लड़ रहे उद्धव जी ठाकरे साहब, महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार उद्धव जी ठाकरे साहब ने कम से कम 50-55 बड़ी जनसभा ली जिसको कितने लोग आते थे, उसमें जो बीजेपी को मोदी जी शाह जी इनको जिस प्रकार टारगेट उद्धव जी ने किया, जनता तो उनके भूमिका को सपोर्ट कर रही थी। मेरा भी कहना यही है, नहीं मेरा भी कहना यही है कि लोकसभा भी चुनाव लड़े थे हम लोग, विधानसभा भी चुनाव लड़े हम लोग, जनता तो राहुल जी के सभा में भी बहुत उमड़ कर आई थी, प्रियंका जी के सभा को भी बहुत उमड़ कर आई थी, और चेहरे को लेकर चुनाव हमने कभी लड़ा नहीं था आज तक, तो चेहरे को लेकर जो बात थी आपकी वो बात अंदर डिस्कस हुई थी कि बात तो चेहरे पे नहीं लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व के साथ लड़ेंगे, हम सभी लड़े थे। अगर ईवीएम ने गड़बड़ की हो गई ना उसमें, नहीं नहीं साहिल आप एक बात समझ लो कि जिस तरह से 7.30% के आसपास मतदान जो बड़ा है, हम तो बहुत टेक्नोलॉजिकली सबसे आगे चले गए ना, एलन मस्क से भी आगे चले गए मोदी जी के भाषा में, फिर हमको इतने 5-5-6-6 बार लोंडे जी उस पर हम चर्चा करेंगे, 76 लाख नहीं, लेकिन अंबालाल जी आपसे इत्तेफाक नहीं रखते है ना, उनको तो लगता है, उनको तो लग रहा है अंबालाल दानवे को लग रहा है कि भाई अगर आपने मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे का चेहरा रखा होता तो चुनाव के नतीजे और होते। भाई कांग्रेस में भी तो सबको लग रहा था ना कि मुझे मुख्यमंत्री पद का मौका मिलना चाहिए, अंबालाल दानवे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कई लोगों को सपने हो रहे थे कि मुख्यमंत्री बनना है, इसी के चक्कर में तो सारा गड़बड़ हो गया। अरे वो तो बीजेपी में भी हो रहा था, वो कौन नहीं कह रहा बीजेपी में नहीं हो रहा था, देवेंद्र फडणवीस ने पंकजा मुंडे से लेकर तावड़े जी से लेकर सबकी विकेटें क्यों डाली है। अब ऐसा है कि जब जब आप साथ चुनाव नहीं जीत पाए हैं तो चुनाव नहीं जीत पाए इसका मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर बात करना इतने इमैच्योर तो नहीं है कोई, हमारी कमिटी है उस कमिटी में बात चुनाव जीतने के बाद, भाई चुनाव जीतने के बाद में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता का पहला बयान आता कि अब हम नंबर वन पार्टी है, अब हम सबसे ज्यादा सीट लड़ेंगे, 100 से ज्यादा सीटें लड़ेंगे, यह भी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही हुआ था ना अशोक अतुल लोंडे जी। अच्छा जो अभी अंबादास जी ने कहा, तो जब एनसीपी और हम साथ में लड़ते थे तब भी हम 150-152 सीटें लड़ते थे, अभी जब तीन लोग साथ में आए हैं तो तीन लोगों के साथ में तो ये होना ही है कि तीन लोगों के साथ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और हम नंबर वन पार्टी तो थे ना, हम 14 सीटें आई थी हमारी, 13 सीटें हमने जीती थी, एक हमारा बाद में सहयोगी बना, तो हम लोग तो 17 सीटें लड़के 13 सीटें जीने थे, इन्होंने 21 सीट लड़ी थी। तो बात ये सब बातें करने का प्लेटफॉर्म तो ये है, ऐसा मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि ये कोई मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर हम बात करें, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। उद्धव ठाकरे जी कहते अगर ये प्लेटफॉर्म है इस तरह की बातें, अमरस दानवे जी ये प्लेटफॉर्म नहीं है बोल रहे, अमरस दानवे प्लेटफॉर्म नहीं है बोल रहे, कहां बोलना चाहिए आपको। जब शिवसेना एनसीपी अलायंस हुआ, जब अभी कांग्रेस की 13 जगह हुई, बराबर है, उसके पहले कांग्रेस लड़ी थी एनसीपी के साथ, तो एक ही जगह उनके महाराष्ट्र में थे, वो भी बाळू धानोरकर जो शिवसेना के एमएलए उधर गए थे वो चुन के आए थे चंद्रपुर से, बाकी हमारे भी ज्यादा जगह, अभी हमारे तो सब जाने के बाद 4 बचे थे, हमारे 9 हुए। मेरा कहना ये है अतुल जी मेरे दोस्त है, कि जिस प्रकार कांग्रेस ने लोकसभा के बाद जिस प्रकार भूमिका रखी, वो भूमिका पूरी दादागिरी की थी, वो भूमिका पूरी, हमारा भी सीएम ही बैठने वाला है, कल शपथ विधि करना है, ये मेंटेलिटी थी। बाकी फिर वो शिवसेना को या एनसीपी जो शरद पवार साहब की है, इनको कहीं काउंट भी नहीं कर रहे थे,
ये स्थिति हुई तो ये तो मैं सामान्य शिवसेना के नाते कहता हूँ, मैं विपक्ष का नेता बाजू को रख दो, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ शिवसेना का, वो एंगल से भावना में रख रहा हूँ। एक एक डेटा मुझे अतुल लोंडे जी के पास जाना है, लेकिन एक बार जरा डेटा देख लेते हैं कि भाई 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा टच करने के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। देखिए जम्मू कश्मीर का चुनाव स्क्रीन पर आप डेटा देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव 2024 का विधानसभा का चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर में सालों बाद विधानसभा के लिए चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस ने सीटें लड़ी 39 जीत कर आई 6, 15% का स्ट्राइक रेट रहा। वही सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट 75% 42 सीटें वो वहां पर जीत पाई। झारखंड में भी 2019 और 2024 में कांग्रेस की सीटें वैसी की वैसी रही, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ये करीब 53% रहा, जबकि जेएमएम का स्ट्राइक रेट 69% तक पहुंच गया था और सीटें भी उनकी पिछली बार के मुकाबले 4 से बढ़ती हुई नजर आई। वही हाल आरजेडी का भी रहा। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात रही, महाराष्ट्र में 2024 में कांग्रेस ने 101 सीटें लड़ी, 16 सीटें जीती है, 16% का स्ट्राइक रेट रहा, जबकि शिवसेना यूबीटी का स्ट्राइक रेट 95 सीटें जीतकर 21% तक रह गया है। लेकिन अगर हम लोग लोकसभा चुनाव पर नजर डालें 2014-19 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 12% लोकसभा चुनाव में, 2019 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 8%, जबकि 2024 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहुंच गया 29%। कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस के रीजनल पार्टनर्स है उसका फायदा कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। अतुल लोंडे जी, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव से आपको सीख लेनी चाहिए कि रीजनल पार्टियों को साथ में रखे, खुश रखे, उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े तो जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस तरीके से झारखंड या जम्मू एंड कश्मीर में आपने जीते हैं, क्या लगता है आपको? अतुल लोंडे, देखिए हरियाणा में भी हमने 37 सीटें जीती है, इस तरह से बात ना कीजिए आप, सिलेक्टिव डेटा मत रखिए साहिल जी, आपको अच्छा नहीं शोभा नहीं देता ये। हरियाणा का भी डेटा आपने रखना चाहिए था, 37 सीट्स हम वहां पर जीते हैं भाई। मैं अलायंस पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तीन जगह पे आपने अलायंस में, देखिए मैं पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है सर, झारखंड जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, तीन जगह पे आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, तीन जगह पे आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अलायंस के साथ हमारा नुकसान होता है और हम अकेले लड़े तो ज्यादा परफॉर्मेंस होता है, ऐसा आपका मतलब निकलेगा, ऐसा आपको लग रहा है जगह की हर, नहीं नहीं आपका, आपने जो डेटा रखा उससे वैसा मतलब निकलता है। मैं ये कह रहा हूँ हर जगह की परिस्थितियां साइल अलग होती है, हर चुनाव अलग होता है। एक मिनट, 101 और 96 में ज्यादा अंतर नहीं है, और 86 ज्यादा अंतर नहीं है, बराबरी की सीटें हम लड़े हैं। अब एक बात तय कर लेना चाहिए शिवसेना ने, अंबादासी दानवे बैठे यहाँ पे और शायद अगर संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी सुन रहे होंगे तो सुन ले, वो एक बात ये तय होनी चाहिए, क्या ईवीएम ने हमको हराया है, क्या इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, बराबर चुनाव में पारदर्शिता नहीं रखी है, तो कोई तो भी एक स्टैंड लेना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, एक स्टैंड कोई तो भी लेना चाहिए कि हाँ हम चुनाव में, या तो हम ये अंबादास जी का कहना जो है उसके मतलब हम चुनाव हारे हैं, हमें नहीं लगता हम चुनाव हारे हैं क्योंकि वैसी परिस्थितियां नहीं थी ग्राउंड पर, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, 76 लाख मतदान दिख रहा है साहिल, चुनाव हारे वही तो दिख ही रहा है ना अंबर रसदान में, आपको क्या लगता है कि ईवीएम के वजह से आ रहे कि कांग्रेस के अति आत्मविश्वास जिसका आपने किया ओवर कॉन्फिडेंस उसके वजह से चुनाव का यह नतीजा रहा है अंबर रसदान में? देखो महाराष्ट्र में कम से कम अभी तक 400-500 कंप्लेंट ईवीएम की आई है, कितनी जगह तो ऐसी है कि वहां पे पोलिंग बूथ पे वोट है 600 काउंटिंग हो रही 800, कितनी जगह ऐसा है कि गांव का गांव कांग्रेस का सपोर्टर है, पूरा गांव कांग्रेस का सपोर्टर है, वहां बीजेपी का पोलिंग बूथ पे आदमी भी तक नहीं था, वो गांव में कांग्रेस को वोट गिरे है 0, ये धुलिया में ऐसा हुआ है। दूसरा मैंने जो ज्यादा वोट गिरने का कन्नड़ जो संभाषण डालना चाहता हूँ यहाँ पर, कुणाल पाटिल जो कांग्रेस के वहां के कैंडिडेट थे उनसे हमने बात की हुई है और उनका कहना है कि ये खबर गलत है, वहां पर उन्हें कांग्रेस को वोट पड़े हुए हैं, जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो जिस दिन वोटिंग है उस दिन प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन मेरा सवाल स्पेसिफिक है अमरनाथ दानवे जी, ईवीएम जो अतुल लोंडे पूछ रहे हैं कि ईवीएम के वजह से कि कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से, क्योंकि मुझे आशुतोष वर्मा जी के पास भी जाना है, अजय आलोक के पास भी जाना है, संक्षेप में बताइए। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट अच्छा, है अच्छा। हम हमारे अलायंस में कांग्रेस के रवैये के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ईवीएम का इशू महाराष्ट्र में है, जो सीट बीजेपी और आपके सर्वे भी बोल रहे थे 150 160 170 वो 200-250 जगह जीत रहे हैं, जो हमारे सीट 50,000 से चुन के आने के चाहिए थे वो 5,000-10,000 से आए हैं, ये डिफरेंस ऑफ वोट ये बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में है।
हर कॉन्स्टिट्यूएंट से ऐसी कंप्लेंट आ रही है। अब ये दहीसर में मनसे के उम्मीदवार ने कंप्लेंट की है। दो अलग अलग मुद्दे, दो अलग अलग मुद्दे कह रहे हैं भाई। ईवीएम पर भी बातचीत करेंगे हम लोग, लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, क्या आपको भी यही शिकायत है? क्योंकि लोकसभा में भी हमने देखा कि आपका परफॉर्मेंस तो ठीक रहा, वहां पर भी जब उपचुनाव हो रहे थे तब भी वहां पर सिर्फ उटव्वल चल रही थी। क्या यही शिकायत सबको है? टीएमसी तो कहती है, ममता बनर्जी का बयान है कि भाई हम रबर स्टैंप नहीं है, जो आप कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब झारखंड में वहां पर शपथ ग्रहण है, वहां पर तो वो पहुंच जाती है, कांग्रेस के शपथ ग्रहण के लिए जाती नहीं है। आशुतोष वर्मा जी, क्या आपको भी यही शिकायत है जो यहां पर अंबादास दानवे कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस? कोई ओवर कॉन्फिडेंस या कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब भी आप हारते हैं तो आपको ज्यादा क्रिटिकल होना चाहिए और उस क्रिटिक को लेना भी चाहिए और अपने इतिहास से हम सबको सीखना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि वहां प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस के, वहां पर एकमात्र सांसद थी सोनिया जी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके साथ सामंजस्य रखा और पूरे चुनाव को लीड रोल में लेके अखिलेश जी ने आगे लिया। अब ये बात तो कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा कि अगर समाजवादी पार्टी वहां पर ना होती तो शायद ये स्थिति ना होती जो इतनी सुनहरी स्थिति उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सालों बाद बनाई है। और हमें गर्व है कि हम उस गठबंधन के साथ में देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बनके वहां पे भारतीय जनता पार्टी का विजयरथ था। लेकिन आप जब भी आप गठबंधन में जाते हैं तो दो तीन चीजें जरूर देखनी होती है। एक तो ये जरूरी नहीं है कि जो विधानसभा के चुनाव हो और देश के चुनाव हो वो एक जैसे हों। हिंदुस्तान का वोटर बहुत ही समझदार होता है। जब देश का चुनाव होता है तो हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि आप लीड करो, लेकिन जब क्षेत्र का चुनाव होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी को वहां पे फ्रंट सीट पे बैठने की जिद छोड़नी चाहिए। हमको लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, आप हमारा परफॉर्मेंस देखिए, हमने अपना परफॉर्मेंस रिटेन रखा है इतना होने के बावजूद भी। बताइए कि अभी कांग्रेस ने भी पीछे लिया है कि 9 के 9 सीटें उनको लड़ने दिया और साथ में हम लड़े, उसका विश्लेषण वो करें। मैं विश्लेषण अगर वो करूंगा तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश दीजिए, अरे कर दीजिए ना, अब चुनौती दी है तो कर दीजिए भाई। अगर ये टीवी में प्लेटफॉर्म पर आकर करना है, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये बातें करनी है, अंदर बातें नहीं करनी है जहां बैठे अभी सब झारखंड में, और प्रवक्ताओं को आकर बातें करनी है तो कर लीजिए। अतुल लौंडे पाटिल, बात आपने शुरू करिए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या सीटें हमने दी क्या नहीं दी वो एक अलग बात है, लेकिन जो बात अगर कोई कह रहा है उसको सुनना भी चाहिए। आपकी परेशानी यही है, आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने जगह एनएसयूआई के ताले खोले आज तक, कितने जगह आपके संगठन है? अगर हम फिर बोलेंगे तो भी खराब लगेगा। आप समझिए कि अगर महाराष्ट्र में अगर आपको हार मिली है तो ईवीएम ने हार मिली है तो अलग बात है, जब जीत मिली तब आपने ईवीएम पे क्यों नहीं बोला था, तो वो विश्लेषण दूसरा है। आज विश्लेषण ये है कि क्या हम सम्मानजनक हारे हैं या बुरी तरीके से हारे, आप मानिए। और इसको इसमें बुरी क्या है, जनता ने आपको नकारा है तो इसको आप उसकी कारण ढूंढिए ना। और मेरे हिसाब से साफ साफ कारण है कि आप सहयोगी पार्टियों को इतनी तहरीज नहीं देते हैं। हम बार बार कहते रहे कि आप हरियाणा में हमको मौका दीजिए, आप हमको जो भी सीटें देंगे हम आपको जिता के लाएंगे। और उसी बेल्ट में, आपको पता है हरियाणा के उस बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी 95% के ऊपर जीत के आई है, जहां पे कांग्रेस पहले जीत सकती थी, जहां पे समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, आप नहीं माने। उसके बाद महाराष्ट्र में हम तो वैसे भी थे, हमारे पे पहले भी 2 सीटें थी, रईस शेख और अबू आजमी जीतते थे, इस बार भी जीत के आए। आपके गठबंधन से हमको क्या लाभ हुआ? ना आपको लाभ हुआ ना हमको लाभ हुआ, लेकिन आपकी जिद, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में, साहिल जी 2 सेकंड, 2 कांग्रेस चलती हैं। एक कांग्रेस जो राहुल गांधी कांग्रेस चलाना चाहते हैं, और खासकर वो राहुल गांधी जिन्होंने यात्रा के बाद राहुल गांधी का अवतरण हुआ है। दूसरी कांग्रेस आज भी राजभोग योग की तरीके से चलती है, जो मेहनत नहीं करना चाहती है, जो राज्यसभा पहुंचना चाहती है, जो प्रभारी बनना चाहते हैं, लेकिन जमीन पे जनता के साथ खड़े होने में उनको परेशानी हो रही है, जमीन में सहयोगियों के साथ खड़े होने में परेशानी हो रही है। समय बदल गया है, सहयोगी पार्टियां उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, एक ही सुर में बात कर रहे हैं, तब तो सवाल पूछना लाजमी है ना। मेरी बात तो छोड़ दीजिएगा,
लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर लखनऊ में बैठ के वही बात कर रही है, अंबादास दानवे यहां पर मुंबई में बैठ के वही बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आत्म परीक्षण होगा ना इसके बाद। ऐसा है साहिल जी कि अभी ये मुझे बिल्कुल कतई ठीक नहीं लगता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें हो। आज देश अड़चन में है, आज लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का और बाकी लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर इस तरह के नतीजे आ रहे हैं, उस वक्त जब इकट्ठा रहना चाहिए तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बात करके बात करना, ये मुझे मुझे तो पर्सनली पॉलिटिकल इमैच्योरिटी लगती है। हमारे वरिष्ठ नेता है, अतल जी बैठ कर इसके ऊपर बात कर सकते हैं, इसके बाद आप जीवन में आपको सब बात सुननी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में है, कोई प्राइवेट जीवन नहीं आपका हमारा, आप जो बोलना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, इस देश की पूरी जनता भी जानती है, कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं है, इस बात को सबको पता था, आप क्यों नहीं इस बात को मानते हैं, आप हारते हैं तो सीक्रेट मीटिंग की क्या बात है? नहीं नहीं सीक्रेट बात की क्या बात है, कौन सी सीक्रेट मीटिंग की बात हो रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या, पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या है, मुझे एक बात बताइए ना, हम सब लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नहीं 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 ऐसा है, विचार व्यक्त आपके विचार आपने विचार व्यक्त करना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने मेरे तक बात रखी है, मैंने ये कहा कि वरिष्ठ नेता है जिन जो इसमें पावर रखते हैं कि संगठन में क्या होगा, कैसे हमारे अलायंसेस होंगे, किस तरह से गठबंधन होंगे, क्या चर्चाएं होंगी, वो वरिष्ठ नेताओं का अधिकार है, तो वो उनके प्लेटफॉर्म पर ये बातें होनी चाहिए, हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बात करना, ये मुझे कम से कम वरिष्ठ नेताओं की बात सुननी भी चाहिए आपके नेताओं को। अंबादास जी जो करना है, अंबादास जी को जो बात करना है वो कर सकते हैं, आपको जो बात करना है आप कर सकते हो, मैं मेरे तक सीमित रख रहा हूँ कि वरिष्ठ नेता जो है वो बैठेंगे, वो अखिलेश यादव जी है, खड़गे जी है, राहुल जी है, उद्धव जी है, वो बात करेंगे, उनके बिहार पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ये मैंने रखा है चुनाव के पहले ये बात होनी चाहिए थी। चलिए चलिए अजय आलोक जी, आज तो आपके पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, कांग्रेस के साथ में उनके दोनों अलायंस पार्टनर से भिड़ गए, क्या आप इससे कोई सीख ले रहे हैं? क्योंकि देखिए दो दिन पहले तक आप भी तो झगड़ रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री किसको बनाना है, क्या करना है वगैरह, कुछ तो सीख ली होगी आपने महाराष्ट्र से, आपने भी कुछ सीख ली होगी। साहिल जी आज तो मेरी जरूरत ही नहीं है, आज तो यही लोग डिबेट करें आपस में ज्यादा बेटर है। वैसे इन तीनों की हालत देख के एक शेर याद आ रहा है, दौरे गफलत भी इनायत है, दौरे गफलत भी इनायत है, ऐसी हालत में बिगड़ना तो जायज है, तो ठीक है बिगड़ रहे बेचारे एक दूसरे से, तो इसमें हम लोग क्या करें। देखिए ऐसा है कि महायुति या एनडीए का गठबंधन जहां कहीं भी है बहुत मजबूती के साथ है, क्योंकि परस्पर विश्वास और एक साथ ही आइडियोलॉजी के साथ है, वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आइडियोलॉजी नहीं है, वहां ये नहीं है कि एक बार हम हिंदुत्व करते रहे, कांग्रेस की दुकान बंद करते रहे, फिर जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए, जहां भी हम अगर आप पीडीपी का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो सरकार हमने गिरा दी। अरे लोकसभा चुनाव के बाद में अजय आलोक जी ये भी मत कहिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद में, नहीं नहीं लोकसभा चुनाव के बाद में ऑर्गेनाइजर में आया वो आर्टिकल भूल तो नहीं रहे आप? बिल्कुल ऑर्गेनाइजर में आया वो आर्टिकल नहीं भूल रहे हैं, और राजनीतिक प्रतिद्वंदता में हम कभी अपनी बेसिक आइडियोलॉजी नहीं छोड़ते हैं, तो आज जो हाल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। हमारा हाल आप देख लीजिए, उठा के महाराष्ट्र देखिए, एग्जाम्पल देखिए, मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ, एकनाथ शिंदे जी का एग्जाम्पल है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब अटकले लगा रहे थे, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये आके बोला कि सीधा प्रधानमंत्री अमित शाह जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, हम लोग भाजपा के साथ हैं। अजीत पवार को देखिए, दिल्ली उतरते पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला अनाउंसमेंट, बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी के नेतृत्व में लड़े हैं, ये होता है सॉलिडारिटी। बिहार देखिए, बिहार जहां मैं बैठा हुआ हूं भी, हमने पहले घोषणा कर दी थी कि चुनाव का परिणाम जो हो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, पद के लिए यहां पे छीना झपटी कौओं की लड़ाई नहीं है, और जब गठबंधन बनाते हैं तो मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ परस्पर विश्वास में और एक लीडरशिप में बनता है। यहाँ तो और नीतीश कुमार जी छोड़कर चले गए थे, उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बराबर है ना, उल्लू उल्लू आपके पास नीतीश कुमार वापस भी आए, उसको क्या छोड़कर चले गए थे, राजनीति में, राजनीति में आना जाना लगा रहता है, वापस आ गए ना, रोज ही बोल रहे अब कहीं नहीं जाऊंगा। अतुल जी आना जाना शुरू, अतुल जी अतुल जी मेरे पे क्यों गुस्सा रहे भाई, पहले आपस में गुस्सा लीजिए ना अतुल जी, अतुल जी अतुल जी, अरे शिवसेना समाजवादी पार्टी से लड़िए भाई, हमसे चुनाव के मैदान में लड़िएगा, गठबंधन नहीं था, हमसे चुनाव के मैदान में लड़िएगा जहां पूरी तरह से पिटते रहे। सच्चाई है कि सबसे बड़े पनौती है आप, जिसके साथ जाएंगे ना उसको सुखा देंगे, खुद तो सुखी रहे, जिसके साथ आप जाएंगे उसको सुखा देंगे,
खुद तो सुखी रहे सबसे सबसे हमसे तो जब हमसे तो लड़ते हैं जब मैदान में चुनावी मैदान में वहां हार जाते हैं सबसे सबसे लोएस्ट अब चलिए आज फिलहाल लीजिए कोई बात मैं आपकी हालत समझ सकता हूं वो बांग्लादेश में मैं आपकी हालत समझ अच्छा सुनिए एक जो 30 मिनट तक हम नहीं बोले थे हम लोग आपको देख रहे थे देश के बहुत भाई यहाँ पर मुंबई में हिंदुओं की हालत अंबादास दानवे बैठे हैं अंबादास दानवे बैठे हुए भाई अतुल जी चलिए अतुल जी एक सेकंड बांग्लादेश की चर्चा और करेंगे ना पहले भारत का पहले भाई देश की पॉलिटिक्स तो समझ ले पहले अंबादास दानवे जी देखिए बीजेपी क्या कह रही है उन्होंने तो एक दूसरे के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा फायदा हुआ आप चुनाव हार गए तुरंत आपने झगड़ा शुरू कर दिया अंबादास दानवे हमने कोई झगड़ा नहीं शुरू किया लेले तांदूळ धोए हुए चावल नहीं है बीजेपी एकनाथ शिंदे इधर बोलते हैं और उनके पूरे सांसद नरेंद्र मोदी जी को मिलते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब को सीएम करो इतने दिन चार दिन एकनाथ शिंदे क्यों रुके कल क्यों घोषणा की उन्होंने तो पूरे ट्राई किए ना पूरा ब्लैकमेलिंग करने का ट्राई किया भारतीय जनता पार्टी को बगावत का रिवॉर्ड आपने दिया था उनको जिन्होंने शिवसेना पार्टी फोड़ के आया उनका रिवॉर्ड दिया था अभी तुम्हारा उनसे काम खत्म हो गया अभी घर पे बैठो इस प्रकार तो बीजेपी का तो रवैया है ना जो पार्टी को लेने का साथ में उसको खत्म करने का गोवा में क्या किया अभी बिहार में क्या कर रहे सब जगह बीजेपी ऐसी करती है अकाली दल का क्या कर विनोद अग्निहोत्री ये सब स्थिति भारतीय जनता पार्टी करती है विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ में है विनोद अग्निहोत्री क्या यही हमें देखने मिलेगा अब इंडिया अलायंस में क्या यही अब देखने मिलेगा क्योंकि लोकसभा के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई फेविकॉल का जोड़ है जैसे ही विधानसभा के नतीजे आना शुरू किया एक के बाद एक ये चीजें होना शुरू हो गया है कैसे लगता है आपको देखिए जीतने के बाद के प्रतिक्रियाएं और हारने के बाद की प्रतिक्रियाएं हमेशा अलग अलग होती हैं लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा किया था जीते थे सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे लेकिन उस गले मिलने की खुशी में वो आगे की तैयारी भूल गए उनको जो काम उसी समय करना चाहिए था सीटों का एडजस्टमेंट गठबंधन एक प्रॉपर तरीके से जो है महाराष्ट्र के बारे में एक पूरा एक घोषणा पत्र होता वो सारी चीजें उनको उसी समय करनी चाहिए थी और मैं इस बात से सहमत हूँ जो दानवे साहब की बात है भले हमारे मित्र अतुल लौंडे सहमत न हो अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को आगे करके चुनाव लड़ता अगाड़ी तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती क्योंकि वहां पूरा फैसला ये होना था कि उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे जनता किसको पसंद करती है आपने उद्धव ठाकरे को अपने सेनापति को पीछे रखा और उनका सेनापति आगे था तो जाहिर है जो मतदाता को तय करना है तो वो जो सेनापति आ गया था उसके साथ चला गया आप तय नहीं कर पा रहे थे हमारा सेनापति कौन है नाना पटोले हैं कि सुप्रिया सुले हैं या उद्धव ठाकरे हैं आपको एक उद्धव ठाकरे को चूंकि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा करके एकनाथ शिंदे जो है बीजेपी के साथ गए थे और बीजेपी और एकनाथ शिंदे की मिलीजुली सरकार बनी थी तो मुद्दा तो वहां वो होना चाहिए था महाराष्ट्र अस्मिता के मुद्दे की जब बात कर रहे थे तो अगर आप उद्धव ठाकरे को आगे करते तो शायद उसका फायदा मिलता लेकिन कांग्रेस कि एक नीति है कि वो चेहरा आमतौर पर आगे नहीं करते हैं उन्होंने आगे नहीं किया वो एक भ्रम बनाए रखना चाहते थे कि कांग्रेसी कार्यकर्ता सोचे हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो वो लगे रहेंगे शिवसेना कार्यकर्ता जितने आंकड़े हमने दिखाए हैं विनोद अग्निहोत्री जो कह रहे हैं हर चीज से एक बात निकल कर आती है कि जहां जहां पर रीजनल पार्टी ने अच्छा किया है वहां पर आंकड़े निकल कर अच्छे आए हैं अगर ऐसी बात है तो क्या आपको लगता है कि एक नए सिरे से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कांग्रेस को बनानी होगी रीजनल पेयर के लिए जो आपके समाजवादी पार्टी के दोस्त भी कह रहे थे कि भाई विधानसभा चुनाव में तो कम से कम हमको तवज्जो दीजिए लोकसभा के लिए हम आपको समर्थन दे सकते हैं क्या आपको लगता है कि एक नया पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा रीजनल प्लेयर्स का सम्मान आपको करना होगा क्या ये बड़ी सीख होगी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव से देखिए इतनी बात होने के बावजूद मैं सीट शेयरिंग मीटिंग में क्या क्या होता था ये बात नहीं कर रहा हूं मैं दो मीटिंग्स में मैं खुद भी था तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस कितना साथ में लेकर चलती है अभी जब 9 सीटों पर उपचुनाव होना था तो कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं लड़ी पूरा समाजवादी का समर्थन जो है पूरी ताकत से हमने किया हम लोग इन लोग को लेकर हमारी जितनी भी अलायंस पार्टनर्स है उन लोग को लेकर चलने की ही भूमिका रखे है आपने बिहार में देखो हर जगह देखो हमने महाराष्ट्र में भी देखो डेटा लेकर बैठे थे हम तो हर जगह जो है वो सबको साथ में लेकर चलने की भूमिका ही रखी है कुछ अगर एनोमलीज आती है कुछ बातें आती है तो मेरा अभी भी कहना है कि वो प्रवक्ताओं के लेवल पर या टीवी पर नहीं हो सकता वो लेकिन उनको नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना आप
ऐसा नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना। अखिलेश जी ने, यूपी में अखिलेश जी ने ही लीड किया है, महाराष्ट्र में लोकसभा में सबने, शरद पवार साहब जो है उनके हिसाब से, उद्धव ठाकरे जी है, बाकी सबने मिलकर ही लड़ा है। संगीत रागी, तो हर जगह प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, पहले दिन से 20 तारीख से आप बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या होना चाहिए, आपका ये कहना था नंबर्स के आधार पर। देखिए क्या हो रहा है इंडिया अलायंस के बीच में, महाविकास आघाड़ी में, नंबर्स को लेकर लड़ाई, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाई रीजनल पार्टी को आगे करना चाहिए। क्या बीजेपी को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि जहां पर रीजनल पार्टी आपके साथ में है, बिहार पैटर्न की बात बार बार की जाती है, क्या इससे नेशनल पार्टीज को कहीं ना कहीं सीख लेनी पड़ेगी कि रीजनल पार्टीज को आगे करिए, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं नेतृत्व उन्हें करने दीजिएगा, लोकसभा का चिंता हम कर लेंगे, क्या लगता है? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए रागी जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो गठबंधन को लीड कर रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लीड नहीं कर रही थी। दूसरी बात, आज जो शिवसेना इतना आक्रामक होकर के रह रही है, तो शिवसेना का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा तो है नहीं, 95 सीटों में तो यदि 50% भी स्ट्राइक रेट होता तो आज वो कहने के लायक होती कि हाँ कांग्रेस ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। 12%, 16% और 21-20%, यही आंकड़ा बताता है शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, तो ये दोनों में मौलिक अंतर है। दूसरी बार हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये कांग्रेस को पराजित करके खड़ी हुई है, ये क्षेत्रीय पार्टियां कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपनी जमीन वो कांग्रेस को वापस लेने दें, इसलिए कांग्रेस का वो गला घोटने का काम बिल्कुल करेंगी। क्षेत्रीय दल कभी भी नहीं चाहेंगे कि विधानसभा के स्तर पर कांग्रेस उनके गठबंधन को लीड कर सके। और मैं तो हैरान भारत की राजनीति का कुछ पत्र, साहिल 10 सेकंड गिव मी टाइम, बहुत देर के बाद आ पाए हैं। दूसरी बात, ये जो संविधान बचाओ के नायक थे वो कहां पर हैं? बैंकॉक कहां पर हैं? चलिए उनका काम क्या हुआ, उन पर क्यों ठीक रहा? भारत की राजनीति का सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि यहां पर रीजनल पॉलिटिक्स के भी अपने मायने हैं, और जहां पर आप रीजनल पॉलिटिक्स को नजरअंदाज करते हैं वहां पर कई बार नेशनल पार्टीज को भी उसका भुगतान करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने रीजनल पार्टीज को, रीजनल शत्रुओं को अपने साथ में नहीं लिया। महाराष्ट्र का चुनाव भी कहीं ना कहीं यही दिखाता है। 2029 के लिए अपने बल पर, अपने दम पर लड़ने की बातें अभी से शुरू हो गई है, इसके वजह से महाराष्ट्र की राजनीति और साथ साथ देश के कई राज्यों की राजनीति किस तरीके से बदलती रहेगी उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।